जो मैं संदीप से इसकी बातचीत शुरू करना चाहूंगा। गुड आफ्टरनून संदीप। संदीप, आज बाजार में अगर हम बेंचमार्क्स को देखें, फ्लैट है, लेकिन मिड कैप्स में काफी बाइंग हो रही है, काफी सिलेक्ट मिड कैप्स में। वो जो एक मैडनेस वाला पैनिक जैसा कल शायद जो सेकेंड हाफ में दिखाई दिया था, वो ऐसा लग रहा है कि बाजार अदानी ग्रुप स्टॉक से एकदम डिकपल हो गया है रेस्ट ऑफ द मार्केट। ये एक सेंस आ रहा है कि हाँ, बाजार अब आइडियाज को इंडिविजुअली देख रहा है और पूरे बाजार को एक सिरे से नहीं पेंट कर रहा है। आप कैसे देखते हैं आज का एक्शन कंपेयर टू लास्ट आवर यस्टरडे? ये इवेंचुअली हो जाएगा क्योंकि फाइनली एक ग्रुप का इंपैक्ट पूरे मार्केट पे बहुत लिमिटेड रहेगा है। तो स्पेशली क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूशन देखें, म्यूचुअल फंड्स या फिर ज्यादातर एफआईआईज हार्डली एनी होल्डिंग है इन लोगों की अडानी स्टॉक्स में, तो उस तरह से रिस्क कम हो जाता है। जहाँ रिस्क हो सकता है वहाँ बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है, जहाँ पे भी ज्यादातर बैंक्स यही कह रहे हैं कि हम लोग अच्छे सिक्योर्ड हैं और हमें कोई रिस्क नहीं दिख रहा, तो अभी हमें जो वो कह रहे हैं उस पर ही भरोसा करना पड़ेगा। तो मार्केट अभी कैश फ्लोज, नतीजों, अच्छे नतीजे, इन सबको रिवॉर्ड कर रहा है। और हम देख रहे हैं जैसे इंडियन होटल्स के अच्छे नतीजे आए थे तो वो स्टॉक चला था, कल ब्रिटानिया के अच्छे नतीजे आए वो आज चढ़ा है। तो ऐसे अब जो कंपनीज अच्छा करेंगी उनको मार्केट रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि अच्छा कंपनीज, बहुत ज्यादा कंपनीज अच्छा नहीं कर रही हैं, मतलब रिजल्ट्स काफी मिक्स्ड आ रहे हैं, जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। देखिए आप एफएमसीजी में ये देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क के खराब नतीजे थे, आउटलुक इतना अच्छा नहीं है, तो उस स्टॉक में पिटाई हुई है वहाँ। दूसरी साइड ब्रिटानिया में अपटिक है, तो ये मुझे लगता है एक ट्रेंड मार्केट में रहेगा आगे भी। से जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। जुबिलेंट फूडवर्क के डायरेक्टर साहब कुछ ग्राफिक्स चलाइए, एक खास बात मैं करना चाहूँगा। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट ने कहा, शायद जेपी मॉर्गन ने या किसी और ने, खैर एनीवे पॉइंट ये कहा कि जब वो उनकी बहुत सारी मीटिंग हुई नए मैनेजमेंट से और उन्होंने प्रोडक्ट ऑफरिंग वर्सेज प्राइसिंग जुबिलेंट फूडवर्क के प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया, तो ये निकल के आई बात कि वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है अभी एक समय में जो हुआ करता था। ये एक कॉमेंट्री है ब्रोकरेज रिपोर्ट की। और उसके बाद हमने कमज़ोर नतीजे देखे। बाजार में बड़ा एक्साइटमेंट था जब नए एमडी आए थे, वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं किया। आप वैल्यूएशन को कैसे देखते हैं, वैल्यूएशन वर्सेस परफॉर्मेंस? देखिए अजय, यही होता है कि जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आप फिर आपको परफेक्ट एग्जीक्यूशन चाहिए। अगर परफेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं आता तो फिर जो स्टॉक की हालत अभी हो रही है वो होती है। तो अभी भी अगर आप देखिए जो आज के प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है उस पर भी वो 70 times अर्निंग्स पे है, इस साल की अर्निंग्स पे, तो ये सस्ता नहीं है स्टॉक। तो टर्न अराउंड होगा तो ये स्टॉक जरूर चलेगा, ऐसे नहीं है कि ये खराब कंपनी है और ये खत्म हो गई। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कब टर्न अराउंड आएगा, कब वैल्यूएशन रीजनेबल होंगे। तो ये वो कंपनीज में से नहीं है जिनमें हम कहेंगे कि इनको, इसको हम कभी नहीं खरीदेंगे। हम खरीदेंगे लेकिन अपने प्राइस पे खरीदेंगे। जी आप अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदोगे? नहीं नहीं सर, क्यों नहीं खरीदोगे? अपने प्राइस से भी नहीं, अब तो कोई प्राइस अपना है ही नहीं उसमें। अच्छा सर, ये किस रेट पे आपको लगेगा कि खरीदना चाहिए कि लगेगा ही नहीं कभी जिंदगी में? नहीं लगेगा जिंदगी में। इतने साल मार्केट में रहने के बाद ये कुछ स्टॉक्स हम लोग साइड पे रख देते हैं कि उसके चढ़ने पे हम लोग दुखी भी नहीं होते, हमारे पास नहीं है, और उसके गिरने पे खुश भी नहीं होते। क्या बात है, ये बड़ी बात है। मतलब आपने फिर से पहले से कोट एंड कोट कर दिया कि हम आएंगे ही नहीं, चाहे लेवल भले 500 आ जाए। अच्छा सर, मैं फिर एक चीज आपसे और पता करता हूँ, आप SBI लोगे सर? SBI एक स्टेज पे बाय लेवल पे जरूर आ सकता है, क्योंकि SBI में इन जनरल बैलेंस शीट उनका अच्छा है। एक कॉर्पोरेट के एक्सपोजर से स्टॉक कितना गिर सकता है वो हमें देखना पड़ेगा। ऑलरेडी ऊपर से 20% के आसपास गिरा है, तो मुझे लगता है कि उनका कासा डिपॉजिट फ्रेंचाइज इतना स्ट्रांग है कि छोटे मोटे हिट्स SBI ले सकता है। तो SBI जरूर बाइंग रेंज पे आ जाएगा और मुझे लगता है शीघ्र ही आएगा, जल्दी ही आएगा। राइट संदीप, अभी थोड़ी देर पहले आप जो
एफएमसीजी स्टॉक्स की बात कर रहे थे कि वो आज थोड़े से सेफ्टी ऑफ मार्जिन जैसे दिख रहा है और अच्छे नंबर्स को रिवॉर्ड कर रहा है बाजार, लेकिन एफएमसीजी के लिए जो एक और बड़ा ट्रिगर रहा, क्योंकि अभी अब से कुछ देर पहले एक नीलसन का जो डेटा आया अक्टूबर टू दिसंबर का, उसमें क्लियरली दिखा कि रूरल कंजम्पशन जो है वो सिक्स कंसेक्यूटिव क्वार्टर डिक्लाइन करी है, और बहुत सिलेक्टिव कुछ पॉकेट में, साउथ में, वेस्ट में, तो यानी अभी भी रूरल डिमांड एक बड़ा कंसर्न है, और इसी वजह से आप स्टॉक्स लाइक डाबर, इमामी, मेरिको, इन पर एक हिट भी देख रहे हैं, एफएमसीजी पैक भी पूरा नहीं चल रहा है, तो ये जो फैक्टर है लगातार जो रूरल कंजम्पशन नीचे जा रही है, रूरल डिमांड को पिकअप करने की कोशिश की जा रही है, इन स्टॉक्स पर ये कितना बड़ा हैंगओवर अभी और आगे से में रह सकता है? देखिए, रूरल इनकम्स, रूरल सेक्टर में इन्फ्लेशन की मार जल्दी लगती है, तो जब इन्फ्लेशन बहुत हाई था और इनकम्स नहीं बढ़ रहे थे रूरल एरियाज में, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा आया था, लेकिन मुझे लगता है इसमें रिवर्सल जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह के हम क्रॉप प्राइसेस अभी देख रहे हैं, कैश क्रॉप के प्राइसेस देख रहे हैं, जिस तरह से फार्मर इनकम्स है, जो फार्मर्स को एक्चुअली गवर्नमेंट को नहीं बेचना पड़ रहा, ज्यादातर जो क्रॉप्स हैं वो एमएसपी के ऊपर चल रहे हैं, तो उनको कैश रियलाइजेशन जल्दी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि रूरल रिवाइवल जल्दी आएगा, तो ये जो रूरल डिक्लाइन का पूरा फिनोमेना था वो मुझे लगता है कि इसी क्वार्टर से रिवर्स होना चाहिए। ऑलराइट संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और बाजार की अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करने के लिए। संदीप वन ऑफ द मोस्ट अनुभवी फंड मैनेजर हैं, जो उन्होंने बात कही ना कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं उनको आप नहीं समझ में आ रहे हैं, आप मत टच करिए ना ऊपर जाने में, एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले आप भी ये बात बोल रहे थे, नहीं समझ में आ रहा, लीव इट ना, हाँ, कि आपको हर चीज में थोड़ी ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए आप। इसमें ना एक कहावत भी है एक्चुअली, इसमें हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर में तलाश नहीं, अगर हाजिर हो रहे हैं आपके दोस्त तो उतनी हुज्जत मत करिए कि एकदम आरती उतारने लगे आप उनके, और अगर गैर हो गए वो आपके तो उनकी तलाश में पागल मत हो जाइए आप, आप समझे ना, कि वही वाला है, जो आपको समझ में आ रहा है उतना ही करिए, एकदम रैशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से।